जिन लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, जिन लोगों को उन लोगों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, आप देख सकते हैं कि उनका ओहदा, उनका रुतबा ही अलग होता है। अगर कहीं पे कोई काम अगर आप करवाने जाएं, तो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में आपकी वैल्यू है, लोग आपको अच्छा समझते हैं। अगर पर्सनैलिटी तभी अच्छा समझते जब आप एक इंसान अच्छा हो, जब आप पर्सन रियल में एज ए पर्सन आप अच्छे हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान हो या नहीं, इन सब को देखते हुए ही आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड की जाती है। एंड तभी अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है तो आपका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं पे जाओगे तो आपका काम बहुत जल्द हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगता, या फिर आपके नाम से ही कहीं कितनों जगहों पर काम हो जाता है अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप में पावर है। देखो, पर्सनैलिटी मतलब हम लोगों का सोच होता है, मतलब हम लोग सब समझते हैं पर्सनैलिटी जहाँ आता है। बहुत कम लोग ही समझते होंगे पर्सनैलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, बट ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि पर्सनैलिटी मीन्स जो होता है वो कि लुक, कोई भी पर्सन का लुक कैसा है, वो लुक वाइज कैसा दिखता है, मतलब उसका पहनावा और कैसा है, वो किस तरीके का ड्रेसअप करता है, उसका ब्रांडेड ड्रेस होना चाहिए, ब्रांडेड वॉच, मतलब ये सब जो होता है, हम लोग में से बहुत ज़्यादा लोग इसी पे फोकस करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोग इसी को मानते हैं कि वही पर्सनैलिटी है, वही किसी भी पर्सन जो बोलते हैं कि वो ऐसा है, उसका ड्रेसअप समझो ऐसा कि जो बाहरी दिखता है, जो बाहर से ड्रेसअप किया होता है, जो भी उसका बाहरी दिखावा होता है, उसको लोग पर्सनैलिटी समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, लुक मैटर करता है बट 100% मैटर नहीं करता है। पर्सनैलिटी में लुक का भी रोल है, लेकिन आप जो कहोगे कि लुक का मतलब ही पर्सनैलिटी होता है, तो ये गलत है। पर्सनैलिटी मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की पर्सन जो रियल में कैसा है, उसकी रियलिटी कैसी है, वही पर्सनैलिटी है। कोई भी किसी भी पर्सन की रियलिटी की, कोई भी पर्सन रियल में है कैसा, उस पर्सन की वास्तविकता क्या है, वही पर्सनैलिटी होती है। और जितने भी लोग हैं इस अर्थ पे, उन सब की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, हर कोई अलग है, हर कोई की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर कोई की पर्सनैलिटी अलग है, सब सेम नहीं है, पहली बात तो ये जान लो। और हर कोई अपने वे में यूनिक ही है। तो अब बात करते हैं पर्सनैलिटी मतलब कि कोई भी इंसान रियल में कैसा है, उसकी रियलिटी कैसा है, वही पर्सनैलिटी होता है। पर्सनैलिटी में आपका सोशल स्टेटस आता है, आपका थिंकिंग पावर आता है, आपका स्किल आता है, आप कैसे किस तरीके का वर्क करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप एक अच्छे लिसनर हो या नहीं हो, आप लर्नर हो या नहीं हो, ये सब पर्सनैलिटी में आता है। आपका आप पे सेल्फ कंट्रोल कैसा है, सेल्फ अवेयरनेस कैसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो पर्सनैलिटी के अंदर आता है। एग्रीएबल, फिर आप कहीं पे अपना राय विचार देते हो या नहीं देते हो, कोई बात आप ऐसे ही सुनकर चले जाते हो या अपना ओपिनियन भी देना आप पसंद करते हो, इन सब चीज़ों को देखकर पता चलता है कि पर्सनैलिटी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। अब एक आप बोल सकते हो कि पीएम नरेंद्र मोदी, वो एक पर्सनैलिटी है, आप उनको बोल सकते हो कि वो एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर उन्होंने अपने आप को इस तरीके का बनाया है कि वो एक एग्जांपल बन सकते हैं पर्सनैलिटी का। अगर आप बोले कि लुक भी मैटर करता है, मैं बता रही हूँ कि लुक भी मैटर करता है। अगर आपका लुक अच्छा, आप ड्रेसअप अच्छा करते हो, सब कुछ आपका अच्छा है, अगर आप इनर आउटर दोनों अच्छे हो, मीन्स आपकी एकदम बेस्ट पर्सनैलिटी हो आप, तो अगर आप अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आपको लिसनर जब आप बनते हो, लिसनर मीन्स कि किसी भी सामने वाले की बात को भी आप सुनना सीखो, उनके बातों को समझना सीखो, ना कि सिर्फ अपने बातों को उन पे जताना सीखो या फिर अपने बातों को सुनाना सीखना, ये एक अच्छा पर्सनैलिटी में नहीं आता है। अगर आप दो अच्छे लिसनर हो, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, अगर आपका सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर है, या फिर आपका किसी भी नीडी पीपल या किसी के प्रति भी बिहेवियर अच्छा है, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप लुक अच्छा कर लोगे। अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई सामने में कोई जो लोग है वो आपको देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं,
बट क्या होता है जब आप उनसे ऐसा मौका मिलता है कि आप उनसे बात करो, और जब आप उनसे बात करते हो तो आपको बात करने में वो अच्छे नहीं लगते, बट आपको उनका लुक अच्छा लगता है, आपको वो देखने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किए होते हैं, तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे होंगे, बट जब आप बात करते हो तो आपको नहीं अच्छे लगते। ऐसा कई बार हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कभी अगर फ्यूचर में हो तब आप इसको जान लेना। तो यहाँ पे आ जाती है कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, भले उनका लुक अच्छा है बट उनकी पर्सनैलिटी, जो एक पर्सन की रियलिटी होती है, जो एक पर्सन का बिहेवियर होता है, वो अच्छा नहीं था। तो इसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी। मुझे इस वीडियो में यही बताना था कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ ये मत समझो कि जो इंसान अच्छा कपड़ा पहना है वही बात करने के लायक है, और जो अच्छा कपड़ा नहीं पहना है या फिर आपको देखने में वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार मैं ऐसा देख चुकी हूँ कि जो अच्छा देखने में नहीं लगता, जिसके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि तो हम उनको थोड़ी हीन भावना से देखते हैं, उनको थोड़ा हम गलत तरीके से देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, बट जो लोग ड्रेसअप किए होते हैं और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता तब भी वो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। तो मेरा यही कहना था, अगर आप किसी पर्सन की रियलिटी जानो तभी उनको जज करो वो अच्छा है या बुरा है। तो पर्सनैलिटी मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब से पर्सनैलिटी का मतलब लुक मत समझना, पर्सनैलिटी मतलब होता है बिहेवियर, आपका स्टेटस, आपका लिसनिंग पावर, आपका स्किल, आपका वर्किंग परफॉर्मेंस, आपका वर्किंग मेमोरी, आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्स, किसी भी बात का कैसा रिस्पॉन्स करना है ये, और थिंकिंग, आपका सोच कैसा है, आपका विचार कैसा है, ये सब पर्सनैलिटी के अंदर आता है, ना कि सिर्फ एक लुक ही है वो पर्सनैलिटी के अंदर आता है। लुक भी मैटर करता है, बट इन सब को मिलाकर अगर लुक भी हो तो आप एक बेस्ट पर्सनैलिटी कहला सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पर्सनैलिटी का मतलब भी समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।